एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राशि गोयल और आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स डाइट के बारे में। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। एसिडिटी, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की तरह भी जानते हैं, एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बट हमने इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया है। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेवलेंट कंडीशन होती जा रही है, बट हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। आइए जानते हैं कि एसिडिटी किन कारणों से होती है और इसमें हमें किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हम इसको बिना किसी गोलियों के, बिना किसी एंटासिड सिरप्स के अपनी लाइफ से हटा सकें और इजीली मैनेज कर सकें। एसिडिटी का सबसे पहला कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल। जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लोडेड है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड रीज़न है स्ट्रेस। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से सबकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वर्कलोड बढ़ गया है, इसकी वजह से भी हमारे अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तीसरा कारण है हमारा खानपान। जिस तरह का फास्ट फूड आजकल प्रेवलेंट है, पैकेज्ड आइटम जिस तरह से प्रेवलेंट है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हमारी बॉडी सक्षम है कि जितनी भी एसिडिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जितना भी एसिड प्रोड्यूस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके एक्सक्रीट आउट कर देती है। बट अगर हम इस तरह से ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा ज़्यादा क्वांटिटीज में, तो एक लेवल आता है जब हमारी बॉडी इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है और तब होती है प्रॉब्लम स्टार्ट। एसिडिटी की वजह से सबसे पहला सिम्टम होता है जलन महसूस होना, दूसरा क्रोनिक होर्सनेस, आपका गला हमेशा खराब रहेगा, आपको इरिटेशन रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके मुंह में खट्टापन रहता है और अगर ये बहुत क्रोनिक हो जाए तो मुंह में अल्सर फॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर एसिडिटी इसी तरह से बढ़ती रहती है एसिड प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर, तो इसोफेजियल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूओडेनल अल्सर्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हमको बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इंसान धीरे धीरे महसूस करने लगता है फटीग, थकान, उसका काम में मन नहीं लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, आप अपने लाइफ को पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। तो अब एसिडिटी को दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूजुअली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पिल्स खा लेते हैं या एंटासिड सिरप्स पी लेते हैं, बट शॉर्ट टर्म यूज इसका ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके गट म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं, आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंप्लेंट रह सकती है, तो इन चीजों को अवॉइड करें। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप कर सकते हैं योगा एंड मेडिटेशन। सेकेंडली, अच्छी स्लीप लीजिए। अगर आप अच्छी तरह से नींद लेते हैं तो सुबह आप स्ट्रेस फ्री उठते हैं, रात को आपकी बॉडी आपको प्रॉपरली हील कर पाती है। इसके अलावा डाइटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम किस तरह की डाइट लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको लेनी चाहिए एल्कलाइन डाइट मोस्टली, बिकॉज एल्कलाइन फूड जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ऐसी डाइट जिसके अंदर हो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के लेवल्स बहुत हाई। ऐसे ही कुछ आइटम्स मैं आपको बताती हूँ। फ्रूट्स के अंदर आप ले सकते हैं बनाना। बनाना एक बहुत ही हाई पोटेशियम एंड कैल्शियम रिच फूड है जो आपकी एसिडिटी को कम्बैट करने में हेल्प करता है। बीट रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी एसिडिटी को बहुत हद तक कम करती हैं। इसके अलावा दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसको बहुत ज़्यादा उबाल के या बहुत ज़्यादा गर्म करके ना लिया जाए तो यह आपकी एसिडिटी को ख़त्म करने में बहुत हद तक कारगर है। और अगर आप ले लेते हैं आलमंड मिल्क, बिकॉज आलमंड रिच है कैल्शियम में, मैग्नीशियम में और फॉस्फेट में, तो ये आपकी एसिडिटी को बहुत हद तक ख़त्म करता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ले सकते हैं बहुत सारे कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टमेटोज को छोड़ के आप कोई भी कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। फूड आइटम्स के अलावा बहुत ज़रूरी है आपका वाटर कंजम्पशन। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सब जानते हैं, बट पानी के कंजम्पशन से हमारी बॉडी के एसिड न्यूट्रलाइज होते हैं। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है,
तो पानी का कंजम्पशन बहुत जरूरी है बिकॉज किडनीज को ये हेल्प करता है एसिड को फ्लश आउट करने में. स्वेट के थ्रू भी आपकी बॉडी से एसिड फ्लश आउट होता है. नेक्स्ट बहुत जरूरी है अ रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है. ब्रीदिंग रेट बढ़ने से जो वीक एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर आपकी ब्रेथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाते हैं और एसिडिटी आपको नहीं होती है. सेकेंडली एक्सरसाइज करने से आपको प्यास ज्यादा लगती है, आप पानी ज्यादा पीते हैं तो किडनीज को हेल्प मिलता है कि ये फ्लश आउट हो सके. थर्ड स्वेट के थ्रू भी एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एसिड बहुत हद तक न्यूट्रलाइज होकर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. सो देखिए एक्सरसाइज कितना हेल्प करती है आपकी बॉडी से एसिड्स को रिमूव करने में और आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को न्यूट्रल या टुवर्ड्स अल्कलाइन बनाने के लिए. बिकॉज ये एनवायरनमेंट में ही आपकी बॉडी एक सक्षम तरीके से एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है. तो आपने देखा कि अगर आप इन सब चीजों को अपने लाइफस्टाइल में अपने खान पान की चीजों को चेंज करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करते हैं और अगर अपने लाइफ से स्ट्रेस को जितना हो सके दूर रखेंगे, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन उतना ही कम होगा और उतना ही आपका बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगा और उतने ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आप कम बीमार पड़ेंगे. सो फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स इन योर लाइफस्टाइल, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी.